Hello student, welcome back to Tapovan Group of School. Myself, Rinkal Sondagar. Today we will learn about standard 3rd subject English 2, chapter number 10, the use of V3. आज हम use of V3 में उसकी exercise करने वाले हैं. क्या करने वाले? Exercise. So let's start chapter number 10, the use of V3. The first question in our exercise is fill in the blanks with V3 form of the given verb with has or have. हमें क्या करना है? V3 का यूज करके ब्रैकेट में जो दिए गए उसका यूज करना है. V3 में लिखना है और उसका have और has में हमें उसका verb का यूज करना है. क्या है? The sun. उसके बाद क्या है? Blank. उसके बाद काउंस में क्या है? ब्रैकेट में राइज. तो राइज का V3 क्या होगा? राइजेन. और द सन जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हमें क्या लेना है? हैज. और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव. द सन हैज राइजेन. उसके बाद देन क्या है? आई. उसके बाद ब्लैंक. ये सारे के सारे ब्लैंक है, रेड में लिखे हैं वो. इसके आंसर है आई ब्लैंक दिस बुक. तो क्या आएगा? आई हैव रीड दिस बुक. मैंने ये बुक इस बुक को पढ़ा है. तो रीड का क्या होगा? V3 रीड ही रहेगा. देन क्या है? वी ब्लैंक अवर ड्यूटी. तो वी के साथ क्या आएगा? हैव लगेगा, प्लूरल है. उसके बाद डू का क्या होगा? डू का V3 डन होगा. क्या होगा? डू का V3 डन रहेगा. देन क्या है? शी ब्रैकेट हर पर्स. शी क्या है? जब भी हैज के साथ ही शी इट एंड ए सिंगुलर में एंड हैव में आई वी दे ए प्लूरल सब्जेक्ट में. आपको ये याद रखना है. देन क्या है? शी. तो शी के साथ क्या लगेगा? शी के साथ हैज. शी हैज. और फाइंड का V3 क्या होगा? फाउंड. तो शी हैज फाउंड हर पर्स. उसने अपना पर्स फाउंड कर लिया. शी हैज शी ब्लैंक हीज ओल्ड कार. तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज. और सेल का V3 क्या रहेगा? सोल्ड. क्या रहेगा? सोल्ड. ही हैज सोल्ड हीज ओल्ड कार. उसने अपनी ओल्ड कार बेच दी. थे है उस थे ब्लैंक द ट्रूथ. तो थे के साथ क्या लगेगा? थे के साथ लगेगा हैव. तो थे हैव स्पीक का क्या होगा? V3 स्पोकन. तो दे हैव स्पोकन द ट्रूथ. देन क्या है? यू ब्लैंक अ मिस्टेक. यू के साथ क्या लगेगा? यू हैव मेक का मैड. यू हैव मैड अ मिस्टेक. देन एंड क्या है? द लायन. द लायन क्या है? सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे हैज. और कैच का क्या होगा? V3 कॉट. द लायन हैज कॉट द माउस. क्या लगेगा? कॉट. एंड मैड का मैक का क्या होगा? मैड. देन क्या है? माई ब्रदर हैज गो का क्या होगा? V3 गॉन टू दिल्ली. देन क्या है? टेंथ. द टीचर हैज टीच का क्या होगा? टॉट हीज लेसन. टीचर ने अपना लेसन सिखाया या फिर पढ़ाया. सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट इट सेंटेंस एज अ नेगेटिव यूजिंग शॉर्ट फॉर्म. हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, सॉरी सेंटेंस बनाना है उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करके. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इट हैज रेंट टूडे. तो क्या आएगा? इट हैजंट रेंट टूडे. तो हैजंट हैज का नेगेटिव क्या होगा? हैजंट. द इट हैज अंट रेन टूडे. सेकेंड क्या है?
आई हैव टेकन योर बुक, मैंने तुम्हारी बुक ली है. तो आई आंसर क्या रहेगा, आई हैवन टेकन योर बुक. ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा. देन क्या है, वी हैव स्पोकन टू हिम, तो क्या आएगा, वी हैव आंसर आएगा, वी हैवंट स्पोकन टू हिम. देन क्या है, द प्यून हैज रैंग द बेल, प्यून ने रिंग बजाई, तो क्या आएगा आंसर, द प्यून हैजंट रैंग द बेल. एंड नेक्स्ट क्या है, शी हैज डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो क्या आएगा आंसर, शी हैजंट, शी हैजंट डन हर होम वर्क. देन क्या है, टीना एंड पिकू हैव गोन टू स्कूल, तो क्या आएगा आंसर, टीना एंड पिकू हैवंट गोन टू स्कूल. सो यहाँ पर हमने क्या बनाए, सारे के सारे सेंटेंस को नेगेटिव में बनाए हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके. सो आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, रीराइट इट्स सेम क्वेश्चन इन टू डिफरेंट वे एज शोन. हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन है इसका हमें टू डिफरेंट फॉर्म में हमें इसको लिखना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव आई नॉट हेल्प यू, तो उसका क्या रहेगा आंसर, क्या गया, हैव नॉट आई हेल्प यू, एंड देन क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा, हैवंट आई हेल्प यू. तो आपको क्या करना है, इस जो सारे के सारे सेंटेंस है, क्वेश्चन है, आपको इसका अलग अलग टू डिफरेंस फॉर्म में आपको इसको लिखने हैं. तो हम इसका सेकेंड का आंसर लिखेंगे, ही हैज राम नॉट कम बैक, तो हम क्या करेंगे, हैज नॉट राम कम बैक एंड क्वेश्चन मार्क. सेकेंड फॉर्म क्या रहेगा, हैव हैजंट हैजंट राम कम बैक और क्वेश्चन मार्क. ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड हैज ही नॉट ब्रोकन, तो क्या रहेगा, हैज नॉट ही ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क, शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, हैजंट ही ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क. फोर्थ क्या है, दे हैव नॉट सीन दिस फिल्म, तो क्या रहेगा, हैव नॉट दे सीन दिस फिल्म. फोर्थ का सेकेंड क्या रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, हैवंट दे सीन दिस फिल्म. आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो सेंटेंस है हमने देख लिया, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, ये आपको क्या रहेगा होमवर्क में
लिखने हैं, ठीक है। क्या करना है, होमवर्क में लिखने हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थिंक ऑफ थिंग्स यू हैव डन और यू हैवंट डन, आपको इस और मेंशन देम इन द बॉक्स बिलो। आपको ऐसी चीज के बारे में सोचना है जिसके आपने जो किया है और जो नहीं किया है। जैसे कि हम देखेंगे हैव डन और हैवंट डन। तो फर्स्ट क्या है, आई हैव ब्रशिस माय टीथ, मैंने अपने दांत को साफ किया। तो और जो हैवंट डन, जो आपने कभी नहीं किया है, वो क्या है, आई हैवंट पॉलिश माय शूज, मैंने कभी भी अपने शूज पॉलिश नहीं किए। सेकंड क्या है, आई हैव फिनिश ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। तो आई हैवंट डन माई होमवर्क, आई हैवंट डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ये क्या है, हैवंट। देन ये तीनों क्या है, हमारे आंसर है, आपको ये लिखने हैं। आई हैव पुट ऑन माई स्कूल यूनिफॉर्म, और देन क्या है, आई हैवंट पुट ऑन माई स्कूल यूनिफॉर्म। सो आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में आपको ये सारा लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।